हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। जीके जिसमें भी पूछे जाते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो जूनियर एडेड का। आपको पता है टीजीटी पीजीटी जूनियर एडेड और जीआईसी में भी जो है कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। तो उसमें हमारा आपको पता ही है कि सिलेबस जो है साइंस है उसमें, और हिस्ट्री जियोग्राफी है, इंडिया की हिस्ट्री जियोग्राफी है, और साइंस है, मैथ है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, और यह किस लिए यूज किया जाता है? यह रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो वातावरण है उसमें जो नमी होती है, जो कि हम आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसमें जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, उसे मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में जो है हमारे चारों तरफ जो है नमी बनी रहती है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, या फिर हमारे बाल भी या फर्श पे कहीं भी पानी गिर जाता है तो वो जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि वातावरण में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि गर्मियों के दिनों में जो ह्यूमिडिटी होती है वातावरण में वो कम होती है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो ये जो हाइग्रोमीटर है इसका हम यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है किस लिए यूज किया जाता है? तो बैरोमीटर जो है विंड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसे जनरली तो हम एयर प्रेशर को नहीं महसूस कर सकते, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, एयर की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, और इसलिए एयर प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो बैरोमीटर जो है हम बैरोमीटर का यूज करते हैं विंड प्रेशर को मापने के लिए। विंड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही डिफरेंट जो चक्रवात आजकल आ रहे हैं वो सारे आते हैं, चक्रवात, साइक्लोन, अभी ताऊ केते जो आया था तूफान, उसने साइक्लोन उसने बहुत सारे राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, गोवा में बहुत सारा मीन्स के नुकसान किया है। तो ये जो होता है विंड प्रेशर के वजह से ही ये साइक्लोन क्रिएट होते हैं। समुद्र के ऊपर जो है विंड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक साइक्लोन बन जाता है और फिर वो बहुत ही तेज रफ्तार में चलते हुए अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है हम इस स्टैटिक जीके में कर रहे हैं ग्रेविटेशनल थियरी। गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसका जो सिद्धांत था, थियोरी, वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आप सभी ने पढ़ा होगा, साइंस जिसने भी पढ़ी होगी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण की थियोरी पढ़ी होगी। तो यह जो है न्यूटन ने दिया था। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, और इस पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, माउंटेन हो, ओशन हो, समुद्र हो, पेड़ पौधे, या ह्यूमन बींग, कोई भी एनिमल, तो पृथ्वी जो है अपने तरफ एक फोर्स से उसे खींचती रहती है। जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिरती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि जब हम एक नियत स्पीड से कम में जब हम फेंकते हैं तो वो चीज़ नीचे ही आके क्यों गिरती है, वो क्यों नहीं बाहर चली जाती? तो यही जो है ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, जो कि अर्थ द्वारा जो है अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उस पे लगाई जाती है, और ये सिद्धांत, ये थियरी न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश। प्रकाश जो है वो क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश आपको पता है कि सन से जो भी लाइट हमें प्राप्त होती है उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वेव्स के तरंग के रूप में चलता है। तरंग जो है या तो दो तरह से चलती है, या तो अनुप्रस्थ चलती है, मीन्स कि जो मीडियम होता है, मीडियम के जब मीडियम से
90 डिग्री का एंगल बना के, जैसे मान लीजिए ये हमारा मीडियम है और इस पे इस तरह से 90 एंगल का डिग्री बना के चलती है, तो उस तरह के वेव्स को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश के तरंग को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और यह जो है सन से धरती तक आ जाता है बहुत ही आसानी से, जितना ही वैक्यूम होता है या फिर जो है जो मीडियम है बहुत ही पतला हो, जैसे वायु हो गया, उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है या फिर वो तेज़ी से उसे पास कर लेता है। जबकि सॉलिड में जाएंगे, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो गैस में सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ध्वनि की, ध्वनि भी एक तरंग के रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है और यह जो है अनुदैर्ध्य तरंग है यह जो है कि इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वहीं पे लाइट को चलने के लिए, लाइट तरंगों को, लाइट वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है कि वैक्यूम में नहीं चल सकती, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पे ध्वनि नहीं चल सकती। और ध्वनि जो है सॉलिड, जैसे कि कोई भी मेटल की वस्तु हो, चाहे इस्पात वगैरह की, स्टील की, तो उसमें तेज ध्वनि करती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट किसने दिया था, तो मैडम क्यूरी ने दिया था। इन्होंने दो बार जो है ये इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। तो रेडियो एक्टिविटी कोई भी एलिमेंट होता है जो एक समय के साथ, कोई भी एलिमेंट नहीं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो समय के साथ जो है जिनका क्षरण होता रहता है, और इसकी खोज किया था क्यूरी ने, तो इसलिए इसका यूनिट भी क्यूरी दे दिया गया। नेक्स्ट है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर क्या होता है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक 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 मीटर का इंस्ट्रूमेंट का यूज जो करता है उसे ही हम स्फिग्नोमीटर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए स्टेथोस्कोप होता है, वैसे ही ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर होता है। स्फिग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ रामसर कन्वेंशन साइट इन इंडिया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो रामसर साइट्स होती हैं वो इंडिया में कितनी हैं, 42 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। रामसर साइट वो होती हैं जो कि एक जो सरकार की एक धरोहर होती है, जो कि ऐसी जगह, ऐसा शहर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हो और उसकी वैल्यू आज भी बहुत ही ज़्यादा हो और जो बहुत ही अद्भुत होता है, तो उसे ही हम रामसर साइट में काउंट करते हैं। रामसर क्या है, एक जगह है जो कि कहाँ पे है, ईरान में है। ईरान में एक रामसर जगह है और वो उसकी जो है वो भी एक धरोहर के रूप में है और उसकी सुरक्षा की जाती है। तो जितनी भी रामसर साइट्स होती हैं उनकी सुरक्षा गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। हमारे इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं और इनकी देखरेख जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। 42 नंबर का जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है, लद्दाख में है। म्यांमार, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यांमार जो है जहाँ पे कि इस समय बहुत ही ज़्यादा आपको पता ही है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और तो यहाँ की जो है राजधानी क्या है, जैसे कि इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है वैसे ही म्यांमार की राजधानी नापिता है और यहाँ की मुद्रा क्या है। यह जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, करेंट अफेयर में भी इसे पूछा जा सकता है। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में होती हैं वही करेंट अफेयर में भी पूछ ली जाती हैं। वैसे तो ये स्टैटिक जीके का हिस्सा है लेकिन जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वो ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो म्यांमार का जो है पहले नाम बर्मा था और यहाँ पर जो है
इसकी राजधानी है, नापिता और कयाल जो है इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख में है और यह जो है हमारे इंडिया का लार्जेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और यह लद्दाख में है। जनरली कोई भी राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा जाता है कि किस स्टेट में है। इसी तरह से जैसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यह भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था अभी, क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में को पता है कि जो जंगल है वहाँ पे बहुत बहुत ही बड़े बड़े फायर लग गए थे, आग लग गए थे, और वहाँ पे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, एबव 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए वहाँ पे आग लग गए थे और उसे बुझाने में सरकार भी जो है नाकाम रही थी। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में ही ऐसा हुआ था। तो यह भी स्टैटिक जीके का ही हिस्सा है लेकिन चर्चा में है, तो इसको पूछे जाने की चांस ज़्यादा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर तो हमेशा चर्चा में रहता है, तो जम्मू कश्मीर में है हमारा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है हमारा नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें पूछी गई हैं ये सारी की सारी मीन्स जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारे के सारे चर्चा में हैं और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।